फाउंडेशन आधुनिक जो कई रिफाई काम अंजाम दे रहा है, इसके तहत तो आज बेवाओं को भी राशन तकसीम किया गया है। तकरीबन 30 से 40 लोगों को राशन तकसीम किया गया। जो भी हजरात इसमें ताउन किए हैं, हम उनके शुक्र अदा करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं इसी तरह हम हमसे जुड़े रहें ताकि हम और काम अंजाम दे सकें। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अलखैर फाउंडेशन आधुनिक जो मुसलसल कई सालों से दीनी व रिफाई काम और सोशल वर्क करते आ रहा है, इस सिलसिले की एक कड़ी जो हर माह बेवा ख़वातीन में राशन किट तकसीम किया जाता है, इस माह भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 से 40 ख़वातीन के घरानों तक उनके दरमियान राशन किट तकसीम किए गए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो भी अहले खैर हजरात हमारा इस काम में ताउन कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, इसका दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला दे। और आपसे अपील करते हैं कि आप लोग इसी तरह अलखैर फाउंडेशन का ताउन करते रहें और अलखैर फाउंडेशन का साथ देते रहें और हमारा मिशन और हमारे नेक काम आगे बढ़ते रहें। अल्लाह ताला हम सभी को मिलजुल कर दीन इस्लाम और नेक काम करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की इस आयत में फरमाया कि हमने जिन इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा, ये इस मकसद को हमें पहचानना चाहिए। आज हम दूसरी चीज़ों में अपना वक्त लगा देते हैं। हमें अल्लाह की इबादत में वक्त लगाना, नमाज़ों में और दूसरी चीज़ों में, कुरान पढ़ने में, अल्लाह की इबादत करने में वक्त लगाना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी सारी मुश्किल को दूर करेगा। अगर हम अपनी मकसद को भूल गए, जो मकसद अल्लाह ताला ने हमें पैदा करने का बताया था वो मकसद को भूल गए, तो हमारी रोज़ी रोटी में भी कमी होगी और हमारी ज़िंदगी भी तंग गुजरेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनू बिस्सब्र वस्सला, ऐ ईमान वालों नमाज और सब्र के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद मांगो। हमें नमाज ही नहीं पढ़ते तो अल्लाह ताला की मदद कहाँ से आएगी। हम नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मदद करेगा। हम मदद कर रहे हैं अलखैर फाउंडेशन की जानिब से, आपको हर माहाना राशन किट दी जाती है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ही हमें खिदमत करने की तौफीक अता फरमाएं और आगे और बहुत सारे काम करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरी एक और एक बात हमारे अलखैर फाउंडेशन की जिम्मेदारों की जानिब से आपके सामने ये बात रख रहे हैं कि आप अपने घर के पास कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, क्या शॉप बोलते उसको, किरानी शॉप शुरू करना चाहते हैं, तो अपना पूरा डिटेल लाके हमारे जिम्मेदारों के पास रखेंगे तो हम एक छोटा मोटा कारोबार आपको खोल करके भी देंगे इंशाल्लाह। हाँ, उसके बारे में कंडीशन रहेंगे कि क्या होना क्या नहीं, वो सारे कंडीशन रहेंगे। अगर कोई खोलना ही चाहते हैं तो हमारे पास आकर पूरा डिटेल बता दो, हमें यानी कि क्या करने का है आगे करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।